गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैंने ऐसे रिसर्च किया क्योंकि अगर आपको एक 60,000 के अंदर एक अच्छा कैमरा चाहिए या फिर 55,000 के अंदर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए तो निकॉन का एक कैमरा आता है जो कि है D5600 और एक कैनन का कैमरा आता है जो कि है 200D Mark II। तो 200D का ये सक्सेसर है 200D Mark II और निकॉन D5600 का कोई भी सक्सेसर नहीं आया है 5600 के रेंज में का 5000 के रेंज में का। मतलब निकॉन के आगे पे बहुत सारे कैमराज है 7000 की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतना दो पेज भर के इन दोनों पे रिसर्च करा है क्योंकि हम इनका पहले एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं और फिर मैं आपको एक क्विक टिप दूंगा। एक टिप तो यही है कि आप ऑफलाइन खरीदो क्योंकि ये मैं एक अलग से एक और टिप देने वाला हूँ आपको जो कि वीडियो में एंड में होगा क्योंकि खुद मैंने किया है और आपको एक सजेशन बोलूँगा। तो ऑफलाइन ही खरीदो आप क्योंकि डुप्लीकेट मिलने के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि मिलता ही है पर चांसेस होते हैं। तो अभी फर्स्ट जाते हैं मेगापिक्सल्स के इस पे। तो मेगापिक्सल्स कैनन में है 24 मेगापिक्सल्स और निकॉन में है पर्टिकुलर कैमरा में निकॉन में है 24.2 मेगापिक्सल जबकि ज़्यादा फ़र्क नहीं करता ऐसा मुझे। तो सेकंड आते हैं हम साइज पे। दोनों भी अच्छे खासे कॉम्पैक्ट कैमरा है जो कि लाइट वेट है, आपको कैरी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने, पर निकॉन की जो बिल्ड क्वालिटी है वाह, क्लासिक बिल्ड क्वालिटी। उतना मुझे बिल्ड क्वालिटी ना कैनन 200D मार्क टू का अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। तो बिल्ड क्वालिटी की वजह से ना मैं 77D पे जाने वाला था पर वो थोड़ा स्लाइटली ये वीडियो के लिए थोड़ा बजट से बाहर चला जाएगा जो भी ये वीडियोज देख रहे हैं उनके लिए या फिर मेरे लिए। तो अभी ISO रेंज देखते हैं तो दोनों की सेम है 100 to 25,600 ISO रेंज। आपका जो फ़ोन होता है ना यार, ऐसा मेरे पास जो फ़ोन है उसमें सिर्फ 800 ISO मिलता है। तो दोनों में ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, व्यू फाइंडर की अगर बात करें तो 3.2 inch LCD टच स्क्रीन मिलती है आपको निकॉन के D5600 में और कैनन 200D Mark II में आपको मिलता है 3.0 inch या फिर 3 inch वेरी एंगल या फिर 180 degree टच स्क्रीन मिल जाती है आपको। ओके, तो 180 degree जो मेरी गलतफहमी हुई थी वो ऐसी थी कि मतलब 180 degree वो कैसे है जब खुलता है ना कैमरा तो ऐसे फ्लैट जो होता है ना साइड से ऐसे जो ये कैमरा बंद है ये खुलता है ना ऐसे जो स्क्रीन ये पूरा फ्लैट होता है तो ये इसमें 180 degree है और इसमें वेरिएबल और जिसका मीनिंग सेम ही होता है। तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ ऐसे ऐसे में ऐसा फ्लैट 180 रहेगा पर जो कि नहीं है, मैं गलत था पता है मैं भूल हूँ। तो अभी प्रोसेसर की बात करें तो फिर निकॉन में आता है आपका X-Speed 4 इमेज प्रोसेसर जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था ये कैमरा तो तभी का प्रोसेसर होगा ये। और वही अगर हम प्रोसेसर की बात करें यहाँ पे तो Digic 8 प्रोसेसर मिलता है जो कि लो लाइट में काफ़ी अच्छा काम करता है आपके मतलब कैनन के साथ। कैनन का शायद ये लेटेस्ट प्रोसेसर है Digic 8। तो अगर इस पे पढ़ते हैं हम लोग FPS जो आप अगर बर्ड फोटोग्राफी करते हो तो FPS बहुत क्योंकि अगर कोई बर्ड उड़ने वाला होगा तो आप अगर क्लिक करके रखोगे ऐसा क्लिक करोगे तो ऐसा खच 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 जितने FPS है उतने क्लिक करेगा वो फ्रेम्स पर सेकेंड। तो दोनों में मिल जाते हैं आपको 5 FPS जो कि अगर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर भी हो तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो फिर आते हैं ऑटो फोकस पॉइंट्स जो 8 point है हमारा निकॉन D5600 में आपको मिल जाता है 39 point ऑटो फोकस जो कि कैनन में मिलता है सिर्फ और सिर्फ 9 ऑटो फोकस पॉइंट यानी कि 3 कम। तो हाँ, तो अभी निकॉन आपको देता है सिर्फ फुल HD वीडियोस और कैनन आपको देगा 4K फुल HD वीडियोस जो कि काफ़ी अच्छी बात है एज ए यूट्यूबर पर 4K फाइल्स बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं। तो स्लाइटली मैं कहूँगा 4K मतलब इमेज रेजोल्यूशन के बारे में कैनन थोड़ा जीत गया। कैमरा बिल्ड क्वालिटी के मामले में 200D तो
फिर आता है मेगापिक्सल, 2.2 मेगापिक्सल क्या पर। हाँ ये है प्रोसेसर बहुत अच्छा है, और कैनन अगर आपको वीडियो बनाना है तो कैनन का ऑटो फोकस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, 2 मेगापिक्सल सीमॉस का ऑटो फोकस मिल जाता है यार। तो हाँ अभी आता है कनेक्टिविटी पे, मैंने बहुत रिसर्च किया है इस पे, पर कैनन का मुझे कोई भी वीडियो में ऐसा दिखा नहीं कि कनेक्टिविटी हो इससे कर सकते। हाँ लेकिन इतना अच्छा कैमरा तो होगी मुझे पता नहीं है, पर आप निकॉन से वाईफाई, एनएफसी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो अभी आते हैं सीधे सीधे हम प्राइस पे, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्या करते हैं ना लोग वीडियो के एंड में प्राइस बता देते हैं क्योंकि ताकि वीडियो पूरा देखे लोग, पर मैं कंपैरिजन के एंड में ही बता रहा हूँ। ये जो प्राइस है मैंने अमेजोन से लिए, ये वाली प्राइस जो कि है दो लेंस, तो दो लेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दो लेंस के साथ में एक किट लेंस और एक 70-300 mm लेंस निकॉन के साथ मिल जाती है आपको 48,900 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 49,000 भी आप पकड़ लो। तो अगर आप वही अगर देखते हो कैनन में 200D में मार्क टू, तो देख सकते हो यहाँ पे नहीं 58,000, 57,999 यानी कि 58,000 यार। तो प्राइस में भी कैनन का प्राइस थोड़ा ज़्यादा हाई है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आपको कि 60,000 के अंदर का कैमरा, तो तभी आपको 52 लेंस के साथ में अमेजोन पे पड़ जाता है 50,000 के कम, सस्ता है यार। और आप उतने पैसे में ना एक और एक्स्ट्रा लेंस ले सकते हो, तो वो एक एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज है जो इसके साथ जो लेंस मिलता है ना निकॉन के साथ में, वो होता है 18, एक तो किट लेंस 18-55 mm, उसके बाद में आपको मिल जाता है 70-300 mm, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। 70-300 mm बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा 50 mm का डिफरेंस है। और इसमें जो मिलता है आपको वो मिलता है किट लेंस, कैनन में जो मिलता है आपको वो होता है किट लेंस 18-55 और 55-250 mm की लेंस। तो इसमें भी स्लाइटली अगर आप थोड़ा सा इतना इतना फर्क करता है ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, या तो फिर कोई भी फोटोग्राफी के लिए आप ज़्यादा ज़्यादा जूम कर सकते हो, बस उतना ही फर्क है। तो अभी आ जाते हैं हम हमारे प्रोफेशनल टिप की ओर। तो प्रोफेशनल टिप हमारी आज की ये है, तो आज की हमारी प्रोफेशनल टिप है, दुख रहा है, तो आज की हमारी प्रोफेशनल टिप है। तो आज सुबह सुबह मैंने जब उठा तो मैंने मेरे पापा ने मैंने बोला था उनको कि दो उन्होंने प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को फोन किया, एक तो मेरे पापा के फ्रेंड ही है, एक तो मेरे पापा के फ्रेंड है और एक दूसरे फोटोग्राफर है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मुझे वो गूगल ने सजेस्ट किया था और वो मेरे एरिया के पास में रहते, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं उसे मिल के आ जाता था। और एक तो पापा के फ्रेंड ही है जो कि उनके क्लासमेट थे, तो मैंने दोनों को उनको हल्का हल्का पूछा, मतलब हमारा एक्चुअली कैमरा मतलब हमें भी थोड़ी आइडिया चाहिए थी कैनन अच्छा है या निकॉन अच्छा है। तो दोनों भी फोटोग्राफर्स हैं, दोनों ने बोला कि यार ऐसा है ना कि ये हाथ देख लो, ये हाथ मतलब आपको क्या फर्क है, बस कैनन और निकॉन में भी उतना ही फर्क है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए चूज करने में। तो इसीलिए मतलब एक चीज़ है, मैंने जब खोद खोद के पूछा थोड़ा कि मतलब लेना ही है, अगर फर्स्ट हैंड ही लेना है, सेकंड हैंड आप मत लो, फर्स्ट हैंड ही लेना है तो आप ले लो। पहले तो मुझे प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने बोला जो कि पापा के फ्रेंड है, दूसरे है, उन्होंने बोला मुझे कि यार आपको लेना ही है ना कैमरा अच्छा सा 50,000 के इनर अराउंड, तो आप ले लो निकॉन D5600। और मैंने पूछा आप अभी कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं निकॉन का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा जब मेरे पापा के फ्रेंड वाले फोटोग्राफर जो है उनको पूछा तो वो बोल रहे, उन्होंने भी सजेस्ट किया निकॉन स्लाइटली अच्छा है, मैं भी निकॉन ही यूज़ कर रहा हूँ। पर अगर आपको आपको भी अगर वीडियोग्राफी की चीज़ चाहिए और आपका बजट थोड़ा ज़्यादा, आप खींचा सकते हो, आपका बजट को तो ज़्यादा ही खींच सकते हो, तो फिर आप निकॉन के पास, निकॉन ही बोलो सोनी के पास चले जाओ, क्योंकि सोनी से अच्छी आपको कहीं पर भी वीडियो क्वालिटी नहीं मिलने वाली है गाइस। और फोटो के लिए भी यार जो हायर रेंज के कैमरा है ना 1 लाख के, ऐसे इतने 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 पास इतने इतने ऐसे होते हैं उनमें, इतना डिफरेंस होता है कैनन और सोनी और निकॉन के इसमें। पर मुझे लगता है कि सोनी भी है ना स्लाइटली ऊपर है सब पिक्चर क्वालिटी और इससे उसके हिसाब से, तो
तो गाइस बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं कैनन वर्सेस निकॉन सब दोनों ब्रांड्स का वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर एम रखते हैं हम 10 लाइक्स का। 10 लाइक्स जब आ जाएंगे उसके बाद की वीडियो आपको देखने मिल जाएगी। बस यही रिसर्च कर रहा था मैं, इसीलिए थोड़ा देर लग गया। मैंने पिछले चैनल पर मैं रोज वीडियो डालता था लेकिन नहीं डाला बहुत मुझे। तो बस गाइस मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।